नमस्कार दोस्तों वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स मैं हूं प्रशांत धवन और बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को मेरी सारी वीडियोस आपको मिलेगी ऑन वर्ल्ड अफेयर्स नाइजीरिया में रिसेंटली एक बहुत ही सैड इंसिडेंट हुआ है 110 फार्मर्स को मार दिया गया बाय बोको हरम इस इवेंट को डोमेस्टिक मीडिया इंटरनेशनल मीडिया दुनिया भर में कवर किया जा रहा है यहाँ पे आप देखेंगे आर्टिकल है बाय द हिंदुस्तान टाइम्स एटलीस्ट वन हंड्रेड एंड टेन फार्मर्स किल्ड बाय बोको हरम और एक और आर्टिकल है बाय द वॉशिंगटन पोस्ट मिलिटेंट्स मैसेकर एटलीस्ट वन हंड्रेड एंड टेन सिविलियंस इन नाइजीरियन राइस फार्म अब हालांकि इन्होंने यहाँ पे शब्द यूज़ किया है मिलिटेंट मगर नाइजीरिया के जो प्रेसिडेंट हैं उनके स्पोक्समैन ओपनली यहाँ पर कह रहे हैं कि ये है एक टेररिस्ट अटैक आतंकवादियों ने यह मैसेकर किया है और बोकोहरम को बायद अवे यूएस यू उसके साथ वेरियस कंट्रीज जैसे कि यूनाइटेड अरब एमीरेट्स इराक मलेशिया बहरीन ये सब कंट्रीज डेजिग्नेट कर चुकी है एज ए टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन सो डिस्कस करते हैं इस टॉपिक को इट इज इवेंट इन नाइजीरिया और ये भी जानेंगे कि क्या अब समय आ चुका है कि इन कंट्रीज की लिस्ट में इंडिया भी शामिल हो क्या अब इंडिया को भी डेजिग्नेट करना चाहिए बोको वो को एज ए टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन और ओपनली आलोचना भी करनी चाहिए इस टेररिस्ट अटैक की और सेंस हम यहाँ पे बात कर रहे हैं नाइजीरिया की तो एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा इनमें से कौन सी वाटर बॉडी आपको मिलेगी नाइजीरिया देश के करीब आपके सामने ऑप्शंस हैं गल्फ ऑफ गिनी गल्फ ऑफ एडन गल्फ ऑफ बोथनिया या फिर गल्फ ऑफ मनार नीचे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर करना सही आंसर आपको मिलेगा हमेशा की तरह वीडियो के एंड में सो so, डिस्कस करते हैं इस टॉपिक को लॉट टू नो लॉट टू डिस्कस एज ऑलवेज बट बिफोर वी बिगेन आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं चाहे एस बैंक यूपीएससी एनी एग्जामिनेशन आप परचेज कर सकते हैं अन अकेडमी के कोर्सेज ऑन अन अकेडमी एप या फिर वेबसाइट मगर याद रखना जो ओरिजिनल प्राइस है ये पे मत करिए यूज करिए यहां पर कोड पीडी टेन सेव मनी और ये आपको प्राइस मिलेगा आफ्टर द डिस्काउंट सो यूज पीडी टेन सेव मनी एंड स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर योर एग्जाम नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करें नाइजीरिया की तो ये है अफ्रीका की मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री आबादी है यहां पे ऑलमोस्ट ट्वेंटी करोड़ इनकी कैपिटल है अबूजा करंसी लोग यूज करते हैं नायरा और इस कंट्री की आप अगर देखो डेमोग्राफी तो जो 20 करोड़ की आबादी है उसमें से ऑलमोस्ट आधे लोग फॉलो करते हैं इस्लाम फेथ को और बाकी जो आधे हैं वो फॉलो करते हैं क्रिश्चियन फेथ को यहाँ पे आप देखेंगे 51.5 परसेंट पीपल फॉलो इस्लाम फेथ और क्रिश्चियन है यहाँ पर फोर्टी सेवन वैसे आप अगर ये कंट्री देखो तो ये ब्लेस्ड है विद नेचुरल रिसोर्सेज नाइजीरिया के पास बहुत सारा क्रूड ऑयल है एक टाइम पर हम नाइजीरिया से बहुत सारा क्रूड ऑयल परचेज करते भी थे बिफोर वी शिफ्टेड टू सऊदी अरेबिया मगर नाइजीरिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर यह है इंसर्जेंसी अपने ही कंट्री के बहुत सारे एरिया पर इनका कोई प्रॉपर कंट्रोल है नहीं क्योंकि बोको हराम नाम का जो आतंकवादी संगठन है ये बहुत ही बड़ा एरिया रूल करता है ऑफ नाइजीरिया हालांकि आप ये जो पूरा रीजन देखो अफ्रीका का तो वहाँ पे आपको बहुत सारे टेरिस्ट संगठन मिलेंगे फॉर एग्जांपल बुर्किना फासो में भी बहुत सारे टेरिस्ट संगठन है अल्जीरिया में अलकारा के काफी ऑपरेटिव है उसके अलावा आप अगर देखो यहाँ पर हॉर्न ऑफ अफ्रीका के पास तो यहाँ पे आपको सोमालिया में मिलेगा अल शबाब तो इस पूरे रीजन में बहुत सारे आतंकवादी हैं, मगर हम अगर बात करें किलिंग्स की कि किस आतंकवादी संगठन ने कितनी जरा किलिंग करी है तो उसमें बोको हराम है नंबर वन पे 2009 से लेकर अब तक ये तीस हजार से ऊपर लोग मार चुके हैं इन नाइजीरिया नाइजर और चैड ना हरम का मतलब क्या है बोकोहरम पहली बात तो एक फंडामेंटलिस्ट ग्रुप है रिलीजन बेस्ड है और इसका जो नाम है इसका मतलब होता है वेस्टर्न एजुकेशन इज फॉरबिडन हालांकि आप अगर इसको ऑरलाइज करोगे तो बोको का मतलब होता है फेक एजुकेशन हराम मतलब कि चीज फॉरबिडन है और इसी नारे से ये पूरे नाइजीरिया पे राज करते हैं आ, ये क्या करते हैं कि लोग जो अनएजुकेटेड हैं जो रिलीजन के नाम पे भड़क जाते हैं उनको रिक्रूट करते हैं और आज के समय बोको हराम की करीब आप कह सकते हैं पांच से लेकर दस हजार आतंकवादियों की एक पूरी फौज है और नाइजीरिया की आर्मी भी इनको कंटेन नहीं कर पाती अपने ही देश में और रिसेंटली नवंबर 2020 में क्या हुआ कि देखो अब क्या है कि बोको हरम कई सालों से यहाँ पे जो लोग हैं उनको ब्लैकमेल करता है किडनैपिंग करता है और कई लोग यहाँ परेशान है बोको बोकोहरम से दोनों रिलीजन के क्रिश्चियन मुस्लिम्स दोनों ही सो रिसेंटली नवंबर 2020 में क्या हुआ कि कुछ गरीब किसान थे वो नाइजीरिया का जो नॉर्दर्न रीजन है वहाँ पर चले गए कुछ काम ढूंढने के लिए बहुत गरीब लोग थे वो और वहाँ पर क्या हुआ कि बोको हरम का एक गनमैन उनको मिल गया और उस गनमैन ने उन बहुत सारे लोगों को ब्लैकमेल करना स्टार्ट कर दिया उसने कहा कि जैसे मैं कहूँगा वैसे तुम लोग करोगे यहां पर मजदूरी करो जो भी तुम कमा रहे हो उसका इतना परसेंटेज मुझे दो तो उस एक गनमैन ने बहुत से लोगों को ऑलमोस्ट यहाँ पे बंदी बना दिया था और फाइनली लोगों ने यहाँ पर रिबेल किया और उस आदमी को कुछ हद तक पीटा और उसको बंदी बना लिया जैसे ही खबर बोकोराम के जो हेडक्वार्टर्स हैं या या फिर जहां पे उनका बेस है वहां तक पहुंची अचानक से कई गाड़ियाँ यहाँ पर आ गई बोकोराम के आतंकवादियों की और इन्होंने इन गरीब किसानों को मारना स्टार्ट कर दिया और बहुत ही ग्रूसम ब्रूटल तरीके से इनको मारा है इन लोगों को पहले बांधा गया कई लोगों का जो सर है ये काट दिया गया और एक तरीके से एग्जाम्पल सेट करने की कोशिश करी गई कि कोई भी बोको हराम के अगेंस्ट अगर खड़ा होगा तो उसके साथ हम ये करेंगे नवजो जो 110 की फिगर है यह अभी के लिए सामने आ रही है मगर बताया जा रहा है कि हो सकता है कि इन द फ्यूचर यह फिगर काफी ज्यादा बढ़ जाए और कई वुमेन को भी यहाँ पर किडनैप कर लिया गया है और अब यहाँ पे एक क्वेश्चन ये भी आएगा कि नाइजीरिया की सरकार ने यहाँ पर कुछ नहीं किया कि उनकी धरती पर यह सब हो रहा है तो नाइजीरिया की सरकार ने देखिए यहां पर अपने आप को दूर कर लिया है ब्लेम से जो हर सरकार करती है दुनिया भर में यहाँ पर ये लोग कह रहे हैं कि जो ये लेबरर्स थे जो ये फार्मर्स थे ये जिस एरिया में चले गए थे वहां पर काम करने की इनके पास परमिशन थी नहीं क्योंकि उस एरिया को अभी तक क्लियर नहीं किया गया फ्रॉम बोको बोकोहरम तो सरकार ने यहाँ पर आप कह सकते हैं जो ब्लेम है ये पास कर दिया और कहा कि हमारी यहाँ पर जिम्मेदारी नहीं है मगर जो हुआ है हम उसकी निंदा करते हैं और बिल्कुल हम कोशिश करेंगे कि इन द फ्यूचर ऐसे इवेंट ना हो अगर हम बात करें इंटरनेशनल रिएक्शन की तो यूएसए ने यहाँ पे आलोचना कर लिया है कि बहुत ही गलत यह हुआ है पे अटैक उसके अलावा फ्रांस कई और कंट्रीज हैं वो यहां पर कह रही है है कि अटैक बहुत ही गलत और यूनाइटेड नेशंस ने भी यहाँ पर कहा है कि ग्रूसम अटैक है और हम इसकी निंदा करते हैं मगर इंडिया ने अभी तक कोई प्रॉपर स्टेटमेंट दी नहीं है अब यहाँ पे आप सोच कर देखिए फ्रांस में अगर एक भी आदमी मरता है बिकॉज ऑफ ए टेररिस्ट अटैक तो हम वहां पे रिएक्ट करते हैं यहाँ पे आप अगर देखो तो 110 से ऊपर लोग मर चुके हैं इंडिया ने अभी तक कोई प्रॉपर स्ट्रॉन्ग इसका रिएक्शन दिया नहीं है तो क्वेश्चन पर सामने ये आता है कि सिंस इंडिया ने काफी बार कहा है कि टेररिज्म इज बैड किसी भी फॉर्म में आतंकवाद कहीं भी हो रहा है इंडिया उसके अगेंस्ट खड़ा है सो जो नाइजीरिया का टेररिस्ट अटैक है इसे भी इंडिया को कंडेम करना चाहिए उसके अलावा सिंस बहुत से कंट्रीज जो नाइजीरिया से बाय द वे कई हजारों किलोमीटर दूर हैं जैसे कि ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड कनाडा वो सब कंट्रीज बोको हराम को एक आतंकवादी संगठन डिक्लेयर कर चुकी हैं तो क्या इंडिया को भी डिक्लेयर नहीं करना चाहिए बोको हराम को एक टेररिस्ट आउटफिट और इसके पीछे एक जेन्युन रीजन भी है रीजन यहाँ पर यह है कि नाइजीरिया इंडिया का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है अफ्रीका में टोटल ट्रेड आप अगर देखो तो दो हजार का जो डेटा है उसके हिसाब से अराउंड थर्टीन बिलियन डॉलर है इसमें ऑफकोर्स बहुत सारे जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं वो हम परचेज करते हैं और जो ट्रेड है उसमें ट्रेड सरप्लस नाइजीरिया के पक्ष में है मगर बात यह चल रही है कि जो ये ट्रेड सरप्लस है इसको मैनेज करने के लिए नाइजीरिया इन द फ्यूचर बहुत सारा डिफेंस इक्विपमेंट परचेज करेगा फ्रॉम इंडिया इस पर बातचीत चल रही है वो इंटरेस्टेड है इन मैनी इंडियन राइफल्स इंडियन वेपन्स तो एक ऐसा कंट्री जो इन द फ्यूचर आने वाले चार पांच साल में एक बहुत ही बड़ा बायर बन सकता है इंडियन वेपन्स का तो ऐसे टाइम में इंडिया को आलोचना नहीं करनी चाहिए नाइजीरिया पे अटैक की इसके बारे में मैं आपसे जानना चाहूंगा और नाइजीरिया के परस्पेक्टिव से भी वे आप अगर देखो तो नाइजीरिया का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है इंडिया तो वो भी इसको काफी अप्रिशिएट करेंगे कि हमारे सबसे बड़े ट्रेडिंग पार्टनर ने भी इस टेरिस अटैक को ओपनली कंडेम किया है तो मैं जानना चाहूंगा कि इस इशू को लेकर आपका ओपिनियन क्या है आप लिख सकते हैं नीचे कॉमेंट सेक्शन में सो so, वापस आते हैं अपने क्वेश्चन पे कि वाटर बॉडी जो यहाँ पे लिस्टेड है इनमें से कौन सी आपको मिलेगी नाइजीरिया के पास तो यहाँ पर जो सही आंसर है ये गल्फ ऑफ एडन नहीं है सही आंसर है यहाँ पे गल्फ ऑफ गिनी ये जान लो गल्फ ऑफ एडन तो आपको मिलेगा हॉर्न ऑफ अफ्रीका के पास ठीक है तो जहाँ पे अलशबाब एक्टिव है सोमालिया के पास यहाँ पे आपको मिलेगा गल्फ ऑफ एडन जहाँ पे बोकोराम एक्टिव है वहाँ पे है गल्फ ऑफ गिनी ये याद रखने के लिए आसान है उसके अलावा आप अगर देखो तो गल्फ ऑफ बोथनी आपको मिलेगा यूरोप में नियर स्वीडन एंड फिनलैंड ठीक है ये ये काफी करीब है नियर द बाल्टिक सी उसके अलावा आपने अगर बेसिक जीके भी पढ़ी है तो आपको पता होगा कि गल्फ ऑफ मन्नार तो आपको मिलेगा इंडिया और श्रीलंका के बीच में और एक बार क्लाडी में मैं आपको दिखा देता हूँ बड़े मैप पे तो यहां पर आप देख पाएंगे यह एशिया का मैप और यह है हमारा प्यारा भारत और यहाँ पे है गल्फ ऑफ एडन ये यहाँ पे है नाइजीरिया ये बॉर्डर शेयर करता है इन सब कंट्रीज के साथ चैड कैमरून यहाँ पर नॉर्थ में नाइजर के साथ नाइजर नाइजीरिया अलग देश है रिसेंटली नाइजर न्यूज़ में था क्योंकि ओ की जो विदेश मंत्रियों की बैठक है वो यहीं पे हुई थी कैपिटल नियामे में जहाँ पर नियामे डिक्लेरेशन सामने आया जिसमें इन्होंने इंडिया की आलोचना भी करी है तो और फिर यहाँ पे आप देखोगे एक और देश है ये है बेनिन ठीक है तो ये याद रख लेना और यहाँ पे है गल्फ ऑफ गिनी और नॉर्थ में आप अगर जाओगे यहाँ पर तो ये स्वीडन ये फिनलैंड और यहाँ पे है बाल्टिक सी और यहाँ पे आपको मिलेगा स्वीडन और फिनलैंड के बीच में गल्फ ऑफ बोथनिया और ये यहाँ पे आप अगर जाओगे इंडिया और श्रीलंका के बीच में तो यहाँ पे आपको मिलेगा यहाँ पे आप देख पाएंगे गल्फ ऑफ मनार सो इसी के साथ वीडियो करते हैं खत्म उम्मीद करता हूं काफी कुछ आपको जानने को मिला होगा थैंक यू फॉर ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल